यू आर एंजॉइंग वीडियो लेक्चर्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ये जो मेटाबॉलिक स्टेप है, तो इस मेटाबॉलिक स्टेप में होता क्या है, जो इनिशियल सब्सट्रेट होता है हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है इनटू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द पाइरूवेट। ओके, यहां तक हमने पढ़ लिया था। बट एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस का ये जो मैकेनिज्म है, इस ग्लाइकोलाइसिस के मैकेनिज्म में दो फेज होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट फेज होता है प्रिपरेटरी फेज या प्रिपरेटरी फेज। सेकेंड फेज होता है पे ऑफ फेज। एक्चुअली एरोबिक रेस्पिरेशन का ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म रिलेट करता है कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते थ्रू आउट द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल और रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। तो इस फर्स्ट स्टेप में अगर हम ग्लाइकोलाइसिस का अगर हम स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें, तो इसमें होता क्या है कि इनिशियल सब्सट्रेट जो है फूड मटेरियल, इनिशियल सब्सट्रेट जो होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टेप वाइज ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है। अभी ग्लाइकोलाइसिस में जो 10 स्टेप्स है इंक्लूडिंग प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज, तो हर एक स्टेप में स्पेसिफिक एंजाइम हर एक स्टेप कैटालाइज करता है। कई कई स्टेप है जिसमें किसी को फैक्टर की जरूरत भी होती है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेटरी फेज में, देखो इनिशियल सब्सट्रेट है हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 6 कार्बन कंटेन कर रहा है, तो इनिशियली हमें क्या करना पड़ता है, एक्चुअली यहाँ पे एटीपी नहीं बन रहा है, यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल की इन्वेस्टमेंट हो रही, मतलब बनाने की बजाय यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हो रहा है, तो इसको हम फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। अभी ये एटीपी मॉलिक्यूल्स का जो फॉस्फेट होगा, ये फॉस्फेट ऐड होगा ग्लूकोज के साथ, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये जो पूरा स्टेप है, ये पूरा स्टेप कैटालाइज करता है एंजाइम हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, और हमने जो एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज किया है वो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो एटीपी से फॉस्फेट लॉस होके यहाँ पे बनेगा एडीपी। तो ये फॉस्फेट लॉस होके कहाँ पे ऐड हो रहा है, ग्लूकोज के 6 कार्बन के साथ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट स्टेप इन अ प्रिपरेटरी फेज, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अभी होता क्या है, सेकेंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप का जो एंड प्रोडक्ट बना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का अभी होगा आइसोमर बनेगा, ग्लूकोज का आइसोमर बनता है फ्रुक्टोज। बट ये स्टेप कैरी आउट करने के लिए जो एंजाइम होता है, वो एंजाइम होता है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। तो ग्लूकोज का यहाँ पे आइसोमर बनेगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में भी 6 कार्बन एटम है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में भी 6 कार्बन एटम है। तो यहाँ पे दो स्टेप कंप्लीट हुए प्रिपरेटरी फेज के। तीसरा स्टेप जो है प्रिपरेटरी फेज में, अभी सेकेंड स्टेप में हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फिर से यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगा, मतलब दिस स्टेप इज सिमिलर टू द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन किया था और क्या बना था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अभी यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप का जो एंड प्रोडक्ट है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, उसका हमें फॉस्फोराइलेशन करना है। बट फ्रुक्टोज के पास ऑलरेडी एक 6 कार्बन के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो अभी इस स्टेप में हम जो उसको फॉस्फेट देने जा रहे हैं, ये फॉस्फेट ऐड होगा फर्स्ट कार्बन के साथ फ्रुक्टोज के। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा फ्रुक्टोज 1,6 बाय और डाई फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाय और डाई फॉस्फेट। And this reaction takes place in presence of an enzyme phosphofructokinase,
फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। यहां तक समझ में आए? थर्ड स्टेप में एंड प्रोडक्ट क्या मिला, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अभी देखो फोर्थ स्टेप में होता क्या है, फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट, ये जो 6 कार्बन एटम कंपाउंड है इसका ब्रेकडाउन होता है, इस स्टेप को हम क्लीवेज भी बोलते हैं। तो फ्रुक्टोज अंडरगो क्लीवेज इन प्रेजेंस ऑफ अल्डोलेज एंजाइम, और फ्रुक्टोज का ब्रेकडाउन होके हमें यहाँ पे 3 कार्बन एटम के 2 कंपाउंड्स मिलेंगे। मतलब फ्रुक्टोज इनिशियली 6 कार्बन एटम कंपाउंड है फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट, और इसका ब्रेकेज होके हमें मिलेंगे 2 कंपाउंड्स, बट हर एक कंपाउंड कंटेन करेगा 3-3 कार्बन एटम। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड 3 कार्बन एटम का बनता है DHAP, DHAP मतलब होता है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और सेकेंड कंपाउंड बनेगा यहाँ पे 3PGAL फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, या फॉस्फो 3 ग्लिसरल डिहाइड भी आप इसको बोल सकते हैं। अभी देखो ये जो 3 कार्बन एटम के 2 कंपाउंड्स बने फोर्थ स्टेप में, ये एक दूसरे के आइसोमर्स है जिसको हम इंटरकन्वर्टिबल्स बोलते हैं। मतलब अगर जरूरत है नेक्स्ट स्टेप में तो DHAP PGAL में चेंज हो जाएगा, या PGAL DHAP में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, ऑलरेडी हमारे पास एक कंपाउंड है 3PGAL का और दूसरा कंपाउंड है DHAP का, बट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस रिक्वायर्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGAL। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि नेक्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस रिक्वायर्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL। हमारे पास कितना है अभी, एक मॉलिक्यूल है PGAL का और एक मॉलिक्यूल है DHAP का। तो अभी यहाँ पे होगा क्या, ये जो एक DHAP का मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा 3PGAL में। तो ऑलरेडी एक और DHAP से दूसरा बन रहा है, तो यहाँ पे बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGAL, और ये DHAP का कन्वर्जन PGAL में हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज एंजाइम, इन प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज एंजाइम, ट्रायोज आइसोमरेज। तो प्रिपरेटरी फेज के लास्ट स्टेप में आइसोमराइजेशन में हमें क्या मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGAL। तो ओवरऑल प्रिपरेटरी फेज में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉस्फोराइजेशन ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द सेकेंड स्टेप कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन जिसमें ग्लूकोज का आइसोमर बनता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, थर्ड स्टेप इज अगेन फॉस्फोराइजेशन जिसमें हम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोराइजेशन करते हैं और प्रोडक्ट बनता है फ्रुक्टोज 1,6 बाय और डाइफॉस्फेट, और फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट का नेक्स्ट स्टेप में होता है क्लीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ अल्डोलेज एंजाइम। तो यहाँ पे हमें 6 कार्बन एटम शुगर ब्रेक हो रही है और इस क्लीवेज के थ्रू 3-3 कार्बन एटम्स के 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं DHAP और PGAL। नेक्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में रिक्वायरमेंट होती है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGAL, अभी हमारे पास अवेलेबल है एक मॉलिक्यूल 3PGAL का, तो DHAP कन्वर्ट हो जाता है अनदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGAL, एंड नाउ इन द लास्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेटरी फेज वी आर हैविंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGAL। सेकेंड वाला फेज जो होता है ग्लाइकोलाइसिस में वो होता है पे ऑफ फेज में जो 2 मॉलिक्यूल्स है 3PGAL के, इसका होता है ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइजेशन। ऑक्सीडेशन जब होता है PGAL का तो यहाँ पे बनता है PGA, मतलब फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड चेंजेस इनटू द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एज इट लॉस द हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन जो लॉस होता है तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है सेल के साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एनएडी निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडी एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड गेट रेड्यूस इन टू दी 2NADH+H+।
अभी यहाँ पे हमें और फॉस्फोराइलेशन स्टेप बाकी, फॉस्फोराइलेशन करना है, तो फॉस्फोराइलेशन के लिए हम एटीपी यूटिलाइज नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ एटीपी यूज यहाँ पे हमें यूज करना है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आर यूटिलाइज हियर फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ PgAl। तो यहाँ पे फाइनली वी आर हैविंग और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3,1,3 डाय PgA इज हैविंग 3 कार्बोनेट एंड दिस स्टेप टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड डिहाइड्रोजेनेस Now in the next step of payoff phase, ये जो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 डाय PgA है, इसका होता है यहाँ पे होगा फर्स्ट मतलब डीफॉस्फोराइलेशन होगा। एक्चुअली यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स बनता है, तो डीफॉस्फोराइलेशन ध्यान से सुनना है आपको, डीफॉस्फोराइलेशन किसका हो रहा है 1,3 डाय PgA का, मतलब PgA के पास दो फॉस्फेट है, एक फर्स्ट कार्बन पे और एक थर्ड कार्बन पे। तो अभी इस स्टेप में होगा क्या, फर्स्ट कार्बन का जो फॉस्फेट है वो फर्स्ट नंबर के कार्बन का फॉस्फेट अभी यहाँ पे रिलीज होगा और वो फॉस्फेट एक्सेप्ट करेगा एडीपी। तो एडीपी जैसे फॉस्फेट एक्सेप्ट करेगा वो बन जाएगा एटीपी में। यहाँ पे हमें मिले 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे जो लॉस हो रहा है फॉस्फेट का, तो यहाँ पे फाइनली एंड प्रोडक्ट बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PgA हैविंग 3 कार्बन्स। और ये जो स्टेप होता है एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। ध्यान में रखना है ये 7 नंबर वाला स्टेप जो है ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। 6 नंबर स्टेप में एटीपी नहीं बन रहा है, 6 नंबर के स्टेप में बन रहा है एनएडीएच। नेक्स्ट स्टेप पे ऑफ फेज की नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, तो अभी यहाँ पे 3 PgA का आइसोमर बनेगा। अब ये आइसोमर कैसे बनेगा, तो ये आइसोमर बनता है इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम म्यूटेज। और एक आइसोमर बनता कैसे है, तो थर्ड नंबर के कार्बन के ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फॉस्फेट ग्रुप ये एंजाइम शिफ्ट करेगा सेकेंड कार्बन पे। तो यहाँ पे हमें एंड प्रोडक्ट मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 PgA इच हैविंग 3 कार्बन आइटम। सिंपल स्टेप है, देखो 8 नंबर का स्टेप आइसोमराइजेशन, 3 PgA का आइसोमर बन रहा है 2 PgA। और ये आइसोमर कैसे बनता है, तो थर्ड कार्बन से फॉस्फेट कहाँ पे शिफ्ट होता है, सेकेंड कार्बन पे होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ 2 PgA 2-phosphoglyceric एसिड। 9 नंबर वाला जो स्टेप है 2 PgA मॉलिक्यूल का होता है डिहाइड्रेशन, इसमें वाटर लॉस होता है इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम इनोलेज। और फाइनली प्रोडक्ट बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PEPA फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। तो पे ऑफ फेज के 6 नंबर वाली स्टेप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में NADH बने, एंड प्रोडक्ट बना 1,3-डाय PgA का डीफॉस्फोराइलेशन होता है, डीफॉस्फोराइलेशन में बनता है 3 PgA और 2 ATP मॉलिक्यूल से आगे बन रहे 3 PgA का बाद में आइसोमर बनता है 2 PgA और 2 PgA से वाटर लॉस होने के बाद में बनता है PEPA। लास्ट वाला स्टेप जो है इसमें यहां पे राइट करता हूं मैं, लास्ट वाला स्टेप है सपोज नाउ वी आर हैविंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PEPA। तो इस फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड से अभी अगेन यहाँ पे डीफॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फेट लॉस होगा, तो ऑब्वियसली फॉस्फेट लॉस होने के बाद में ये फॉस्फेट एक्सेप्ट करेगा एडीपी और एडीपी चेंजेस इनटू द एटीपी और
फाइनल एंड प्रोडक्ट मिलेगा हमें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड एंड दिस स्टेप टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट काइनेज, या इसको पायरुवेट काइनेज भी बोल सकते हैं, पायरुवेट काइनेज। तो ओवरऑल पे ऑफ फेज में सेवन नंबर स्टेप पे दो एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और लास्ट स्टेप में दो एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अगर हम बैलेंस शीट्स देखें ग्लाइकोलाइसिस का, तो इस बैलेंस शीट में आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ग्लाइकोलाइसिस में एक्चुअली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन बैलेंस शीट फॉर ग्लाइकोलाइसिस। तो दो टाइप्स का फॉस्फोराइलेशन, फर्स्ट तो आपको ये ध्यान में रखना है दो टाइप का फॉस्फोराइलेशन होता है, एक सबस्ट्रेट लेवल एंड सेकेंड टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन इज अ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। समझ में आ रहा है, दो टाइप्स का फॉस्फोराइलेशन होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में जिससे डायरेक्टली एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोलाइसिस में कहां पे हो रहा है, सेवन नंबर स्टेप एंड टेन नंबर स्टेप, मतलब सात नंबर वाला स्टेप और दस नंबर स्टेप में रिस्पेक्टिवली हर एक स्टेप में दो दो एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो ओवरऑल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हमें यहाँ पे मिल रहा है फोर एटीपी मॉलिक्यूल्स, ये आपको ध्यान में रखना है, फोर एटीपी मॉलिक्यूल्स। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन परफॉर्म होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रोटॉन पंप के जरिए यहाँ पे एक NADH से तीन एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। तो फिलहाल हमें सिक्स नंबर स्टेप जो है पे ऑफ फेज में, उसमें हमें टू NADH प्लस H प्लस इसका होगा ऑक्सीड, लास्ट स्टेप में इसका होगा ऑक्सीडेशन, और हर एक NADH के ऑक्सीडेशन से हमें मिलेगी तीन एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो ओवरऑल दो NADH के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हमें मिलेंगे सिक्स एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो आपको अभी ये ध्यान में रखना है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन गिव्स फोर एटीपी मॉलिक्यूल्स इन ग्लाइकोलाइसिस, व्हेयरएज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन गिव्स सिक्स एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो ओवरऑल टोटल एटीपी प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस इज अ 10 एटीपी, बट 10 नंबर एटीपी मॉलिक्यूल्स इज नॉट अ एक्चुअल नंबर ऑफ एटीपी, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्सट्रेक्ट करना पड़ेगा। इनिशियल जो दो स्टेप है, फर्स्ट नंबर वाला स्टेप और थ्री नंबर वाला स्टेप, इसमें रिस्पेक्टिवली एक एक एटीपी मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होता है। तो यहाँ पे आपको सब्सट्रेक्ट करने टू एटीपी मॉलिक्यूल्स, तो फाइनल जो नेट गेन होगा आपका, नेट गेन 8 ATP molecules. This is important. Thank you.